ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 8 मई 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, विश्व की सभी आत्माएं अनजान और दुखी हैं, आप उन पर उपकार करो। बाबा का परिचय दे करके उनको खुशी में लाओ, उनकी आंखें खोलो। प्रश्न है, किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार क्या है? उत्तर, निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा। तुम्हें सर्विस का सदा ही शौक रहे तो बाबा कहते हुंडी भी भरती रहेगी। जहां पर सर्विस हो सकती है वहां प्रबंध करना चाहिए। मांगना किसी से भी नहीं है, मांगने से मरना भला आपे ही सब कुछ आएगा। तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। मांगने से सेंटर जोर नहीं भरेगा, बिगर मांगे सेंटर को जमाओ। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ बैठे हैं, बुद्धि में यह ज्ञान है कैसे शुरू में हम ऊपर से आते हैं, जैसे विष्णु अवतरण का खेल दिखलाते हैं ना, विमान पर बैठ करके फिर नीचे आते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो अवतार आदि जो कुछ दिखलाते हैं ना, वो सब रॉन्ग है। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं असुर में कहाँ के रहने वाली हैं, कैसे ऊपर से फिर यहाँ आती है, कैसे 84 जन्मों का पार्ट बजाते पतित बनती है, अभी फिर बाप पवित्र बनाते हैं, यह तो जरूर तुम स्टूडेंट की बुद्धि में होना चाहिए। 84 का चक्र हम कैसे लगाते हैं यह स्मृति में रहना चाहिए। बाप ही समझाते तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। कल्प की आयु को लंबा चौड़ा टाइम देने के कारण इतनी सहज बात भी मनुष्य समझते नहीं, इसलिए उसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। जो भी और धर्म है वह कैसे स्थापन होते हैं यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते पार्ट बजाते बजाते अभी अंत में आकर के पहुंचे हैं, अब फिर वापस जाते हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों को ही है, दुनिया में और कोई भी यह नॉलेज नहीं जानते हैं। कहते भी है 5000 वर्ष पहले भारत क्या था, भारत पैराडाइज था, परंतु वो क्या था ये नहीं जानते। जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, परंतु ये बिल्कुल नहीं जानते। तुम समझते हो हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, और धर्म वाले ऐसे थोड़े हैं कि अपने धर्म स्थापक को नहीं जानते। हर एक को पूछो आपके धर्म का शास्त्र कौन सा है, धर्म स्थापक को ने तुरंत बता देते हैं। लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये धर्म है ये भी पता नहीं है। अपने को हिंदू कहते, हिंदू तो हमारी संस्कृति है, परंतु ये बिल्कुल नहीं जानते। तुम समझते हो हम भी कुछ नहीं जानते थे। तुम अभी जानकार नॉलेजफुल बने हो, बाकी सारी दुनिया अनजान है। हम कितने समझदार बने थे, फिर अब बेसमझ अनजान हो गए हैं। मनुष्य होकर के अथवा एक्टर्स होकर के भी हम नहीं जानते थे। नॉलेज का प्रभाव देखो कितना है, यह भी तुम जानते हो, तो बच्चों को अंदर में कितना गदगद होना चाहिए। जब धारणा होना तब ही अंदर में वो खुशी आए। तुम जानते हो हम शुरू में कैसे आए, फिर कैसे शूद्र कुल से ब्राह्मण कुल में ट्रांसफर हुए, ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता, सो तुम्हारे सिवाय कोई भी दुनिया में नहीं जानता। अंदर में एक ज्ञान डांस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्ञान की डांस। बाबा हमको कितनी वंडरफुल नॉलेज देते हैं, जिस नॉलेज से हम अपना वर्षा लेते। लिखा हुआ है इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, परंतु कुछ समझ में नहीं आता था, अभी बुद्धि में सारा राज आ गया है। हम शूद्र से अब सो ब्राह्मण बनते, यह मंत्र भी बुद्धि में है। हम सो ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर हम उतरते उतरते नीचे आते हैं, यह मंत्र भी बुद्धि में है। हम सो ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर हम उतरते उतरते नीचे आते, कितना पुनर्जन्म लेते चक्र लगाते हैं। यह नॉलेज बुद्धि में रहने के कारण बाबा कहते खुशी भी रहनी चाहिए, औरों को भी यह नॉलेज कैसे मिले, कितने ख्याल चलते हैं कैसे सबको बाबा का
परिचय दे। क्या हम युक्ति रचे, तुम ब्राह्मण कितना उपकार करते हो, सभी को ज्ञान सुनाना, बाबा का परिचय देना, ये सबसे बड़ा उपकार है। बाप भी उपकार करते हैं, जो बिल्कुल ही अनजान है उनको सदा सुखी बनाते हैं। आंखें खोले खुशी होती है ना, जिनको सर्विस का शौक रहता है उन्हों के अंदर में आना चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। हम आत्माएं कहाँ के रहने वाली है, फिर कैसे आती है पार्ट बजाने, कितने ऊंच बनते हैं, कैसे नीचे भी आते हैं, फिर रावण का राज्य कब शुरू होता है, यह सब बुद्धि में आना है। भक्ति और ज्ञान में राधिर का फर्क है। शुरू से भक्ति किसने की है, तुम कहेंगे पहले पहले हम आए तो बहुत सुख देखा, फिर हम भक्ति करने लगे, पूज्य और पुजारी में रात दिन का फर्क है। तुम्हारे पास अभी कितना ज्ञान है, खुशी होनी चाहिए ना, कैसे हमने 84 का चक्र लगाया, कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख, इतनी छोटी सी बात भी किसके ध्यान में नहीं आती। लाखों वर्ष की भेंट में तो यह 1-2 रोज के बराबर हो जाता है। अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि में यह चक्र फिरता रहता है, तब ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। सतयुग में यह नॉलेज होती नहीं, स्वर्ग का कितना गायन है, वहां सिर्फ भारत ही था, जो था वह फिर ऐसे ही बनना ही है। बाहर से तो देखने में कुछ भी नहीं आता है, कितने चेंजेस हो रही है, साक्षात्कार होता है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, फिर नंबरवार हम नई दुनिया में आएंगे। आत्माएं कैसे आती है पार्ट बजाने, वह भी तुम समझ गए हो। आत्माएं ऐसे कोई ऊपर से उतरते नहीं है जैसे नाटक में दिखाते, आत्मा को तो इन आँखों से कोई देख भी न सके। कैसे आत्मा आती है, छोटे शरीर में कैसे प्रवेश करती है, बड़ा ही वंडरफुल खेल है ये, पढ़ाई ईश्वरीय है, इसमें दिन रात ख्याला चलने चाहिए। हम एक बार समझ लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं, फिर वर्णन करते हैं। आगे जादू वाले लोग बहुत चीज़ें निकाल कर दिखाते थे, जादूगर जो है तो होता है, चीज़ें निकाल करके दिखाता है। बाप को भी जादूगर, सौदागर, रत्नागर कहते हैं ना। आत्मा में ही सारा ज्ञान ठहरता है, आत्मा ही ज्ञान सागर है, बल कहते परमात्मा ज्ञान सागर है, परंतु वो कौन है, कैसे वह जादूगर है, ये किसी को भी पता नहीं है। आगे तुम भी नहीं समझते थे, अभी बाप आकर देवता बनाते, अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। एक बाप ही नॉलेज पूरे है हमको पढ़ाते हैं, यह सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। यह दिन रात अंदर में सिमरण करना चाहिए। यह बेहद के नाटक का नॉलेज सिर्फ एक बाप ही सुना सकते हैं और कोई भी सुना न सके। बाबा ने देखा थोड़े ही है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। बाबा कहते मैं सतयुग त्रेता में तो नहीं आता हूँ, परंतु नॉलेज सारी सुनाता हूँ, वंडर लगता है ना। जिसने कभी पाठ भी नहीं लिया वो कैसे बतलाते हैं, बाबा कहते मैं कुछ भी देखता नहीं हूँ, न मैं सतयुग त्रेता में आता हूँ, परंतु मेरे में नॉलेज कितनी अच्छी है जो मैं एक ही बार आकर के तुमको सुनाता हूँ। आज बाबा अपनी भी महिमा कर रहे खुद की, हाँ मेरे अंदर कितना सुंदर पाठ है। तुमने पाठ बजाया, तुम जो नहीं जानते, और जिसने पाठ नहीं बजाया वो सब सुनाते हैं, वंडर है। हम जो पाठधारी है हम कुछ नहीं जानते थे, भूल गए सारा। बाप में कितनी सारी नॉलेज है, बाबा कहते मैं थोड़े ही सतयुग त्रेता में आता हूँ जो तुमको अनुभव सुनाऊँ, ड्रामा अनुसार बिगड़ देखे अनुभव किए सारी नॉलेज देता हूँ। वंडरफुल, कितना ये वंडर है, मैं पार्ट बजाने आता ही नहीं और तुमको सारा पार्ट समझाता हूँ, इसलिए ही मुझे नॉलेज पूर कहते हैं। तो बाप कहते हैं अब मीठे मीठे बच्चों अपनी उन्नति करनी है तो अपने को आत्मा समझो, यह है खेल। तुम भी फिर ऐसे खेल करेंगे, देवी देवता बनेंगे, फिर अंत में चक्र लगाए मनुष्य बनेंगे, वंडर खाना चाहिए। बाबा में यह नॉलेज कहाँ से आई, उनका तो कोई भी गुरु नहीं, ड्रामा अनुसार पहले से उनमें पार्ट बजाने की नूंद है, इसको कुदरत कहेंगे ना।
हर एक बात वंडरफुल है, तो बाप बैठ नई नई बातें समझाते रहते हैं। ऐसे बाप को कितना न प्यार से याद करना चाहिए। 84 के चक्र को भी याद करना है, यह राज भी बाबा ने समझाया है। विराट रूप का चित्र कितना अच्छा है, जो श्री लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु का चित्र बनाते वही दिखाते। हम कैसे 84 जन्मों में आते हैं, हम सो देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते, यह सिमरण करने में क्या कोई तकलीफ है? बाबा है ही नॉलेजफुल, कोई से पढ़ा थोड़े है, न शास्त्र आदि पढ़ा है, बिगर कुछ भी पढ़े बिगर गुरु किए इतनी सारी नॉलेज बैठ सुनाते, ऐसा तो कभी नहीं देखा। बाप कितना मीठा है, भक्ति मार्ग में कोई किसको मीठा समझेंगे। जिसको जो आता है उनकी पूजा करने लग पड़ते हैं। बाबा बैठ सब राह समझाते, आत्मा ही आनंद स्वरूप है, फिर आत्मा ही दुख रूप छीछी बन जाती है। भक्ति मार्ग में तो कुछ तुम कुछ भी नहीं जानते थे, मेरी कितनी महिमा करते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। यह भी कितना वंडरफुल खेल है, यह सारा खेल बाबा ने समझाया है। इतने चित्र सीढ़ी आदि के कभी भी नहीं देखे थे, अब देखते हैं सुनते हैं तो कहते हैं यह ज्ञान तो यथारथ रीति है। परंतु काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है, तो यह सुनकर के वो फिर ढीले हो जाते हैं। ज्ञान अच्छा लगता है लेकिन धारणा की बात जब आती है तो ढीले हो जाते हैं। तुम कितना समझाते हो समझते ही नहीं, कितनी मेहनत लगती है यह भी जानते। कल्प पहले जिन्होंने समझाता वही समझेंगे, दैवी परिवार वाले जितने बने होंगे उन्हों को ही धारणा होगी। तुम जानते हो हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं, बाबा का डायरेक्शन है, औरों को भी आप समान बनाओ। बाप सब ज्ञान सुना रहे हैं, तुम भी सुना रहे हो, तो जरूर यह शिव बाबा का रथ भी सुना सकता होगा। ब्रह्मा बाबा भी बहुत ही सुंदर सुनाते थे नॉलेज, परंतु अपने को गुप्त कर देते हैं। देखो कितनी बड़ी महिमा है, विशेषता है ब्रह्मा बाबा की। तुम शिव बाबा को ही याद करते रहो, इनकी तो महिमा भी नहीं करनी है। देखो ब्रह्मा बाबा की महिमा भी नहीं करनी, बाबा की थी। सर्व का सदगति दाता, माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला एक ही शिव बाबा है। बाबा कैसे बैठ तुमको समझाते, ये तो तुम बच्चों के सिवाय और कोई को पता नहीं। मनुष्य ये भी नहीं जानते कि रावण क्या चीज़ है, हर वर्ष जलाते ही आते एफिजी तो दुश्मन का ही बनाया जाता है ना। तुमको अभी पता पड़ा है रावण भारत का बहुत बड़ा दुश्मन है, जिसने भारत को कितना दुखी तो किया ही है और कंगाल भी बनाया। सभी 5 विकारों रूपी रावण के पंजे में फंसे हुए हैं, शोक वाटिका में सब शोक कर रहे हैं। बच्चों को अंदर में आना चाहिए कैसे औरों को भी रावण की जंजीरों से छुड़ाए। हनुमान जी ने कितनी युक्तियां की थी ना, तो आत्मा रूपी सीताओं को हमें छुड़ाना है, उसके लिए हनुमान बनना है। सर्विस हो सकती है तो बाबा कहते हैं प्रबंध भी करना चाहिए। सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है, अंडरलाइन, सच्चे दिल से और निस्वार्थ भाव से। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों की हुंडी मैं ही सकारता हूं, माना भरता हूं। इसलिए कहते हैं ना भोलेनाथ का भंडारा भरपूर कालकंटक दूर। ड्रामा में ये नूंद है, सर्विस का अच्छा चांस है तो इसमें पूछने का भी नहीं रहता। बाबा मैं सेवा करूं क्या, बाबा ये करूं क्या, वो करूं क्या, बाबा कहते कहने की तो कोई भी दरकार ये नहीं है। बाप ने कह दिया सर्विस करते रहो, मांगो कोई से भी नहीं। मांगने से मरना भला, आपे ही तुम्हारे पास आ जाएगा। बाबा कहते आपे ही तुम्हारे पास आ जाएगा, मांगने से सेंटर इतना जोर नहीं भरेगा। मांगो कोई से भी नहीं, बिगर मांगे तुम सेंटर जमाओ, बिगर मांगे बाबा कहते सेंटर जमाओ।
आपे ही सब आता रहेगा, उसमें ताकत रहेगी, आता भी रहेगा और जो आएगा उसमें ताकत रहेगी। हाँ, सभी बहनों को तो ये अनुभव है ही ना। जैसे बाहर वाले चंदा इकट्ठा करते हैं ना, ऐसे तुमको नहीं करना है। मनुष्यों को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता, बाबा ने अभी पॉइंट चेंज की। ज्ञान है बीज, बीज रूप बाबा तुमको नॉलेज सुनाते हैं। बीज ही नॉलेज फुल है ना, वह जड़ बीज तो वर्णन नहीं कर सकेंगे, तो बच्चे ही अच्छी तरह से वर्णन करते हो, सब बातों को समझ सकते हो, वर्णन भी करते हो और समझते भी हैं। इस बेहद के झाड़ को कोई भी नहीं समझते। तुम अनन्य बच्चे ही जानते हो, बाबा कहते हैं इस बेहद के झाड़ को तुम अनन्य बच्चे ही जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा समझाते हैं माया भी बड़ी प्रबल है, कुछ सहन भी करना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में कितने कड़े कड़े विकार हैं। अच्छे अच्छे सर्विस करने वालों को चलते चलते ऐसे माया की चमाट लग जाती है, कहते हैं बाबा हम तो गिर गए। सीढ़ी ऊपर चढ़ते चढ़ते नीचे गिर पड़ते हैं तो की कमाई सारी चट हो जाती है, दंड जरूर मिलना चाहिए। बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं, ब्लड से भी लिख करके दिया, फिर गुम हो गए। बाबा पक्का करने के लिए देखते भी है, इतनी युक्तियां करते हुए भी फिर दुनिया की तरफ चले जाते हैं। कितना सह समझाते हैं पाठधारी को, अपने पाठ का सिमरण करना चाहिए। अपना पाठ कोई भी भूल कैसे सकता है, बाप तो रोज रोज भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। तुम भी बहुतों को समझाते हो, फिर भी कहते हैं हम बाबा के सन्मुख जाएं। बाबा का तो वंडर है, रोज मुरली चलाते हैं, वो है ही निराकार, नाम रूप देश काल तो है नहीं, फिर मुरली कैसे सुनाएंगे। वंडर खाते हैं, फिर पक्के होकर के आते हैं। दिल होता है ऐसे, बाप वर्षा देने के लिए आए हैं ना, तो उनसे हम मिले तो सही। इस पहचान से आकर के मिले तो बाबा से ज्ञान रत्न धारण कर सके, श्रीमद को पालन कर सके, अच्छा मीठे मीठे शिकिर दे बच्चों प्रति। मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में गदगद होना है। वंडरफुल ज्ञान और ज्ञानदाता का सिमरण कर ज्ञान डांस करना है। अपने पाठ का सिमरण करना है, दूसरों के पाठ को नहीं देखना है। माया बड़ी प्रबल है, इसलिए खबरदार रहना है। अपनी उन्नति में लगे रहो, सर्विस का शौक रखो। वरदान, अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्म स्नेही भव। अगर परमात्म स्नेही बनना है तो बॉडी कॉन्शियस की रुकावटों को चेक करो। कई बच्चे कहते हैं यह बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी है, इसलिए थोड़ा रहम आता है। कोई का किसी के शरीर से लगा होता है, कोई का किसी के गुणों से या विशेषताओं से, लेकिन वह विशेषता या गुण देने वाला कौन है। कोई अच्छा है तो अच्छाई को बने धारण करो, लेकिन अच्छाई के प्रभाव में नहीं आओ। न्यारे और बाप के प्यारे बनो, ऐसे प्यारे अर्थात परमात्म स्नेही बच्चे सदा ही सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। स्लोगन है, साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। तो ऐसे अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्म स्नेही भाई बहनों को ओम शांति, हैव अ नाइस डे।